नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ललित कुमार रावल में आप सबका स्वागत है। रोज़ की तरह और हमेशा की तरह आज पुनः मैं एक नए लोकेशन में आया हूँ और ये कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ने वाले एक रिमोट गांव जिसको टोट के नाम से जाना जाता है। और इस टोट जाने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही नैरो, इट इज़ वेरी नैरो रोड, इट इज़ अप्रोच रोड टू टोट विलेज फ्रॉम रियासी। और इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर देखें बहुत ही डेंजर, खाई के नीचे उस लोगों ने अपना घर बनाया है। सच में यहाँ जीवन गुजर बसर करना कितना मुश्किल है। ये लोग कई घंटे का पैदल रास्ता तय करने के बाद अपने निवास स्थान में पहुँचते हैं, तो इनका दैनिक उपभोग के सामान के लिए और ऐसे कई तरह के वस्तुएं खरीदने के लिए इनको नीचे आपको जहाँ इनके घर है वहाँ से ऐसी खाई में, यहाँ कहीं छोटा सा एक फुटपाथ रास्ता रहा होगा लेकिन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी समय आज शुक्रवार 18 जून 2021 और समय शाम का 7:15 का समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ये फुटपाथ तो दिखाई नहीं देता है परंतु यहाँ कहीं रास्ता होगा, ये लोग उसी रास्ते के द्वारा ऊपर ये इस रोड मेन रोड तक आते होंगे और यहीं से जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई छोटे बस टेम्पो ट्रैवलर ऐसी तरह के कोई और छोटे गाड़ियाँ जब चलते हैं उनमें ये लोग रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक अपना यात्रा तय करते होंगे और वहाँ से अपना दैनिक उपभोग के सामान परचेस करने के पश्चात और कोई मेडिकल डॉक्टर कंसल्टेशन के पश्चात पुनः इन लोगों को इसी रास्ते के द्वारा यहाँ आना होता है। और आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे तो आजकल के प्रदूषण में ऐसे खूबसूरत एनवायरनमेंट फ्री वातावरण में रहना एक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद माना जाता है, लेकिन यहाँ प्रकृति जितनी सुंदर है उतना ही मुश्किल है जीवन गुजर बसर करना। ऊपर देखेंगे आप ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और इनके बीच में खाई और ये चारों तरफ ऊंचे ऊंचे कुछ चीड़ के पेड़ और छोटे छोटे बुशे झाड़ियाँ भी है। और इसी रास्ते से आगे टोड तक पहुँचा जा सकता है और उस तरफ उस पार में आपको जो पहाड़ी दिखाई दे रही उस पहाड़ी, बल्कि मैं आपको दिखाई दूँ और इस तरफ से कुछ छोटा सा पहाड़ी का कुछ हिस्सा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, वो अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और इसी पहाड़ी के पीछे में कटरा श्री माता वैष्णो देवी विराजमान है। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, रात का समय होने के कारण वीडियो में आपको इतना क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रहा होगा परंतु बहुत ही खूबसूरत नज़ारा।